ना 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 मुझे ना 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 बनी मैंने बड़ा मैंने इधर चल रोजी ये चल रोजी ना ना ये को मैं आंटा ये को मैं आंटा सेम उसने फोन किया लेकिन किस लेकिन आई तो कुछ बस्ती का वाह ये चल बड़े जान हजरतबल सबसे बड़ा मार्केट है यहाँ पर। हमने ये भी सोचा कि सभी लोगों ने हमारे साथ हमेशा ताउन किया जब हमने किराया बढ़ाया, और कुछ लोगों को तब भी कुछ ग्रीवियंसेस थी, तो ग्रीवियंसेस हमेशा रहती है। पहले ज़माने में तो ये नहीं होता था कि खुद ही चेयरपर्सन या मिनिस्टर जाएं बाज़ार में जाएं। हम लोगों की ग्रीवेंस भी सुनते हैं और उसका अजाला भी वक्त पे ही होता है। और आज हम देखेंगे जिन जिन लोगों को कुछ और भी बात है, आप देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने हमें अभी तक भी किराया नहीं दिया है, उनसे भी बातचीत करके वो किराया भी हासिल करके हमें वक्फ़ को आगे बढ़ाना है। ये हमारा मकसद है कि यहाँ डेवलपमेंट हो और जो तामीर और तरक्की है और लोगों के भी जो मसले मसाइल है वो भी हम ठीक करें, तो यही आज मकसद है। कोई कानून पास होता है उससे लोगों को राहत मिलती है, तो ये ठीक है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज लोगों को राहत देते हैं, क्योंकि पुराने कानून थे उसमें तो इंसान मर भी जाता था तो भी इंसाफ नहीं मिलता था। अब अगर गवर्नमेंट ने ये बात करी है कि ये कानून जल्द अज जल्द आपको इंसाफ दिलाएंगे, ये बहुत बेहतरीन है। देखिए अभी उसमें इंक्वायरी टीम ने जो रिपोर्ट दी होगी उस पर बात होगी इंशाअल्लाह रहमान, क्योंकि जब किसी चीज़ की इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी तब तक उस पर बात नहीं की जाती है जब तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आएगी। रही बात की इमाम साहब की, इमाम साहब हमारे लिए रेस्पेक्टेबल है, उसमें कोई शक नहीं है। एज अ पर्सन वो रेस्पेक्टेबल थे, हैं और रहेंगे, वो प्रोफेसर रहे हैं। लेकिन इमाम और खतीब ये वक्फ बोर्ड का अपना दायरे इख्तियार में है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट हम चला रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि कोई भी इमाम या कोई भी बंदा परमानेंटली कहीं पे बैठता है। अब उनके मामले में इंक्वायरी चल रही, जो इंक्वायरी की टीम हमें रिजल्ट देगी उस पर फिर आगे बात। सारी हजरबलिक दुकानदार या चाहे वन हजरबल बी मार्केट आसार शरीफ हजरबल दुकानदार एसोसिएशन के तरफ जनरल सेक्रेटरी कत कर अस गए ये सान जदव पे वो ये दुकानदारी बसान ये आस्थान दुशन खोल तुल शेख सबन दो मकान दिन बे जाए वान ते दोक वान दमो तुम मगर वानन छो तुम किराए दिन सान जिठो वो कह यह अवकाफ अम खे दमो जू त अम पे गए दो गो ग मे 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 बुब बह कर इत पे सारे दुकानदार ये मसल मे बुढ़ब दुकानदार दुकान बेहान पत आव मोन मोल पत दुकान तमन दिन उस ये वानन पानन वैल्यू कहें जहत रुपये ढाई हथ रुपये वर्यस ढाई हथ रुपये वर्यस पत वो कुनवुह शत आज ब्रो शरी अर्दास मर्दास मर कत ना अद कर सा नव रेंट इमस अगर मैं ढाई हथ पाँच हथ पत ग वर्यस अस दोपुक ना सा तुम हा करो ठ श रोप गो रत मंथली करी ठ श अस करो अत सास पर्सेंट खोल बाबा शत पर्सेंट अड़न एस्पेशली मान ये मार्केट अम पे गई कम दुम चीज गम अस जुमा दह बोड़ बार मार्केट लगान तथा अवकाफ कम अवकाफ कर एडवर्टाइज तमिक क्या अवकाफ से पोस लगान लुकन पे नवान गोर यह अवकाफ घर कह लगान ये वेलफेयर से अस्तान शरीफस मस्जिद लागान तथा गई करो अ चीज अरो रुपये गो यूस गोड पंचा लम ब्रो वु लच मगर तम चलिए दो तान जुमा दह योर कन् माज दह तुम वो माज दह तर्द वल तपर वल ताज वल तलर वल तब्जी वल तरान तचि वर तुन कहें चीज की जरूरत जिंदगी सुकानदार जुमा दह यो तुम बहुत रिक्वेस्ट कर मैडम जुमा दह यन सह तुल टीम सूचन दुकानदार मौक खरीदार ब्रो पकनस सोन मतलब यही अस वो कर
یہ خریا زاس یوس نو اوت زاس پرسنٹ زاس پرسنٹ خری یہ نا دہ پرسنٹ کران وہ پرسنٹ ساس پرسنٹ پندہ پرسنٹ پندہ شیت پرسنٹ خری اگر مے ساس روپیے مے کرک سو پانچ ساس روپیے ریتس منتھلی یہ وچھتو یہ کوتاہ گو اللہ تعالیٰ یہ چیز رہی کوکن جمع کیا ون بہت کت پہ خریدار یہ وات کت پہ مون کت پہ مون کت پہ مون عیال پکان تان مون جدی گودی کن چیز کلے ٹوٹمت بچن نش مے بچہ تم آفر کر مول نش زینا کھین پانچن ہتن کورک ورس پانچ ہت رچ مے کورک منتھلی ساس ات خطن دہ وہ پرسنٹ خطن ات اسمو تھومت گو پہ زاس اردہ مز پندہ پرسنٹ ہسا کھارو آفٹر تھری ایئرس مگر یہ اوتر آئی میڈم امس گرے آئی معاشر مندے پہ مگر اس آلریڈی اوقاف نیگوسیشن وقف یہ وقف بورڈ سے سر ایگریمنٹ گوت تمہ سات نیگوسیشن گمت اگر وی کر آن ایپروول کر پہ کرو اوتر ژتجی پرسنٹ کیا تھان نوٹس مز کم ژتجی پرسنٹ کر ونان اگر مے روپیس شی ساس ونان مے ٹھہ سا تروہ پنچہ شیت پانچ تر شیت ونان اگر مے ساس مے کرتو ساسس کرتو مے وہ پرسنٹ ترہ پرسنٹ ژتجی پہ تھو اس تریو دہ پندہ تھوا دہ پرسنٹ تھوا سہ روز ایگریمنٹ اکے ساتھ۔